सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टीकम की मरो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप यहां पर बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो पोको एक्स 4 Pro 5G का। सो गाइज, यहां पर मैं बताऊंगा आज कि यदि आप यहां पर गेम प्ले करते हैं फ्री फायर और आपका जो गेम प्ले है वो स्मूथ नहीं चल रहा है, अच्छा FPS में नहीं चल रहा है, तो आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को स्मूथ कैसे कर सकते हैं और अच्छा रिफ्रेश रेट और अच्छा FPS में आप अपने फ़ोन को कैसे चला सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर बैकग्राउंड में मेरा गेम प्ले देख सकते हैं पोको एक्स 4 Pro 5G का। गाइस मैं बता रहा हूँ, इतना ही मुश्किल लगता है भाई पोको एक्स 4 Pro 5G X4 Pro 5G। बहुत कठिन है यार, भाई साहब जिबली ही नहीं पलटती यार। इतना ही मैं इतनी सारी कमेंटी करता हूँ पर ये पोको एक्स 4 Pro 5G बोलते नहीं आ रहा ढंग से। क्या करूँगा मैं अपनी आगे जिंदगी में। बट कोई ना यार, अभी उसके ऊपर बात नहीं करते हम। टॉपिक है अपना यहाँ पर, आपका जो फ़ोन की डिस्प्ले है उसको आप स्मूथ कैसे चला सकते हो और अच्छे रिफ्रेश रेट हाई FPS पे कैसे चला सकते हो। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला बेल कॉल पर सेट कर डालना। जितने भी बंदे देख रहे हैं सारे बंदे लाइक करना यार, कंजूसी नहीं। इस बार मैं इस वीडियो में 1K लाइक का एम रखता हूँ। प्लीज़ यार सारे बंदों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, 1K लाइक करवा ही देना यार, प्लीज़ करवा देना, प्लीज़ 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 करवा देना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस मैं यहाँ पर गेमिंग कर रहा हूँ पोको एक्स 4 Pro 5G में, इसमें 120Hz सपोर्ट है। तो गाइस मैं इसमें 120Hz यहाँ पर रिफ्रेश रेट करके यहाँ पर गेमिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो गेम प्ले है काफ़ी स्मूथ चल रहा है। यदि आपके पास 6GB रैम, 8GB रैम या जितने भी GB रैम का आपके पास फ़ोन होगा और इसमें 120Hz यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो आप जाइए अपने फ़ोन की सेटिंग में, फिर डिस्प्ले का ऑप्शन में जाके रिफ्रेश रेट का एक और ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाके 120Hz यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पर इनेबल कर दीजिए। तो गाइस और गाइस फिर जो आपका फ़ोन होगा 120Hz में यहाँ पर रन करेगा और आपका जो गेम प्ले है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और दूसरी टिप्स एंड ट्रिक, आपके गेम में जाना है, आपको ग्राफिक्स में जाना है और गाइस अल्ट्रा में सेट करके हाई FPS के ऑप्शन को ऑन कर देना है, तो गाइस आपका जो गेम है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा। और यदि आप यहाँ पर गेम खेलना चाहते हैं अल्ट्रा में, तो अल्ट्रा में भी खेल सकते हैं, स्टैंडर्ड और स्मूथ, ये तीनों में भी आप गेमिंग करोगे तो उतने ही स्मूथनेस से चलेगा, उतने ही रिफ्रेश रेट से चलेगा। हाँ थोड़ी सी ग्राफिक की बस कमी होगी बट स्मूथनेस है वो आपके गेम प्ले में बनी रहेगी। तो गाइस यदि और भी डिटेलिंग में आपको ये जानना है कि आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को और आपकी गेम प्ले को स्मूथ करना चाहते हो, तो गाइस मैं इसके लिए आगे भी वीडियो बना दूंगा। यदि 10 बंदे कमेंट करते हैं कि हाँ भाई तुम दूसरी वीडियो बनाओ इसके ऊपर कि हम अपने फ़ोन की डिस्प्ले को स्मूथ कैसे चला सकते हैं और हाई FPS में कैसे खेल सकते हैं, तो गाइस मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। पर आपको इस वीडियो में 10 कमेंट और 1K लाइक कंप्लीट करना होगा कि हाँ भाई हमको और भी वीडियो चाहिए कि हमारा जो डिस्प्ले है, हमारी फ़ोन की जो डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट है, उसको कैसे इंक्रीज़ करें डिटेलिंग में बताओ। तो गाइस मैं तभी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कुछ दिनों के बाद बनाऊंगा, इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगा। तो गाइस मैं कह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो कभी कभी तो कर लिया करो यार, प्लीज़ यार। वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल कॉल पर सेट कर डालना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे। और 1K लाइक का टारगेट है और 10 कमेंट इसी वीडियो में ये करना कि हमको अपने फोन का रिफ्रेश रेट, हाई FPS और स्मूथनेस बढ़ाए रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।